वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। बात सब की हलाल, नशा भी होता है? देखें जी, नशा कोई भी है वो हराम है। हम मुसलमान हैं, शरीयत की रूह से नशे की जो हद है वो हराम है। नशा कोई भी है, मुझे पता है। आप जो मुझ पे तंज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो मुझे सारा पता है। हम आए हैं जी सैर करने, गांव की सैर करने। ये देखें गर्मी है, जामुन का दरख्त है, नीचे भेड़ें बकरियां बैठी हुई हैं, और वो क्या कहते हैं ये जी, धान, धान की फसल है, उसकी पनीरी है जिन्होंने लाभ आने हैं लाभ। ये इसलिए मुझे कह रहा है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, महमूद साहब पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अगर वो कैमरे के सामने आना चाहें तो उनकी मेहरबानी, नहीं आना चाहें तो ना आए, क्योंकि वो जरा शर्मीले हैं, मैं उन्हें तंग नहीं करूँगा। ये भी तेरे को शर्माना है, पता नहीं मोबाइल का खाना है। हम आए हैं, वो देखो जी हमारा क्लास फेलो है, दोस्त है, उन्होंने हमारे लिए नाश्ते का अरेंज किया, VIP नाश्ता, शायद खुर्दन उषा अंबार। उसमें एक चीज थी लस्सी, बड़ी बेहतरीन घर की लस्सी और वाफर मुकदार में, और मैंने ऐसे पी है, ऐसे पी है जैसे पता नहीं कब का प्यासा हूँ। और वो लस्सी पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद, आपको पता है हम हमारी जॉब ऐसी है कि हमें सोने का टाइम बहुत कम मिलता है। एक छुट्टी है, ऊपर से एक खुशी का माहौल है, जो हमें मनपसंद माहौल है, उस माहौल में हम, तो फिर पिंड की लस्सी, जब मैंने खूब लस्सी पी है तो फिर मैंने कहा महमूद अरे भाई मेरा सोने को दिल कर रहा है। उसने जनाब जल्दी से मेरे लिए दो तकियों का बैठे इंतजाम किया, जो मेरे दोस्त हैं रिश्तेदार वो जानते हैं कि एक तकिए नाल कुछ नहीं बनता। दो तकियों का इंतजाम किया है और मैं लेटने लगा। फिर वास अवैध साहब जो कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है, मेरे तरले कर रहे हैं यार, ना सोई यार, सोई ना, इसलिए ये पूछ रहे हैं जी भाईजान, हर वो नशा जो शरीयत की रूह से, जो शरीयत ने एक मियार मुकर्रर किया है, उसकी जो रूह पे पूरा उतरता है वो हराम है। लेकिन लस्सी जो है ये नशा नहीं है, ये तो खुमारी आती है थोड़ी सी। देखें अच्छी खुराक खा लें फिर भी खुमारी आती है। वैसा कभी आपने भेड़े चुराई हैं? नहीं जी। बकरियां चुराई हैं? ना, कुर्बानी का जानवर चुराया हो? वो तो चढ़ा है। ये देखें, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे निके निके, हम इन्हें कहते हैं अपनी पंजाबी जबान में लेले, लेला, लेली, ठीक है जी। और जामुन का बूटा है, अभी जामुन कच्चे हैं, वो देखें वो प्रैक्टिस कर रहा है। वैसा आप दिखाएं जरा, वो प्रैक्टिस कर रहा है जी, बड़े मजे से वो देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहा है वो, ठीक है। वैसा आ जाए जरा आगे, आ जाए उधर नु घल दियो, उरा नु खुआ नु घल दियो, आ ओ ये रखा जाए ना उपला नु, जरा पीछे कबस्ता ना ले। देखें जी ये जानवर है, इनको तो पता नहीं है ये पनीरी खा रहे हैं, हमने इनको मना करना है, ठीक है। जो फसलों का नुकसान करें ना, उन्हें चाहिए कि हम उनको मना करें कि बाद आ जाए, फसलों का नुकसान ना करें। कोई नस्लों का नुकसान करें तो उसको भी मना करें, जो मुल्क का नुकसान करें उसको भी मना करें, कोशिश करें हर बुराई को ख़त्म करें। तो वैसा आप कुछ और पूछना है आपने? मैंने कह रही डंगर तेरा चारों ले ले। ये भी अभी धूप से बेचारे बच के छाँव में खड़े हैं, इनको बाहर ले जाना मुनासिब नहीं है। ये छोटा सा बच्चा आपके पास बार बार आ रहा है, मैं भी आपसे कोई सलाम दुआ लेना चाहता हूँ। ये देख छोटा सा है, प्यारा सा है, है? ये देखें, ये अवैध साहब के साथ कुछ हेलो हाई करना चाहता है, मे बी आपकी कोई पप्पी छप्पी लेना चाहता हो या कुछ जप्पी छप्पी लगाना चाहता हो, तो शर्माए नहीं, थोड़ा आगे आ जाएं, ठीक है। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, भैंसे चराई हैं, सब कुछ किया है, मेहनत भी किया है, मजदूरी भी किया है, सारे काम किए हैं। अवैध साहब शायद हंस रहे हैं गाँव में आने के बाद। अच्छा, अब आपको पता चल गया नशे का? जी जी चल गया। हाँ, लस्सी पीने के बाद बहुत सारे लोगों को नींद आती है, और हैवी नाश्ता, बंदा थका हुआ हो, छुट्टी का दिन हो, हैवी नाश्ता हो, दोस्तों की महफल हो, मनपसंद ठंडा सा माहौल हो। अब देखें यहाँ पे, देखो चारपाई कहाँ पे रखी हुई है, वो देखें जी, इधर आए, ये देखें, ये छाँव रखने की ठंडी छाँव है, ये इसने यहाँ पे चारपाई रखी हुई है, उसके ऊपर लेटा हुआ है। अब बताएं ऐसे नज़ारे शहर में हैं? हैं नज़ारे ऐसे? ओ कुंदा रही? नहीं जी। देखें जी शाद रहे हैं, बाद रहे, ये देख लें कुर्बानी है, कुर्बानी के जानवर हैं, अगर आपको पसंद है तो खरीद लें, ठीक है। और जाते जाते वो दिखा दें, वो बार बार आपके साथ गले मिलने की कोशिश कर रहा है, बार बार आगे आ रहा है, जाते जाते वो दिखा दें।
खुदा हाफ़िज़।